अभी पितृपक्ष का महीना शुरू होने वाला है। जातक अब गया जिला में जाकर पितृ तर्पण करने वाले हैं, पिंडदान करने वाले हैं। तो क्या महिलाएं भी पितृ तर्पण पिंडदान कर सकती हैं? हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। अब जो है आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जो है वह पितृ पक्ष के नाम से जाना जाता है, और हर हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले पितृ पक्ष में अपने पितरों की पूजा करते हैं, चाहे पितृ तर्पण हो या पिंडदान हो। गया में जाकर के तर्पण करते हैं और पिंडदान देते हैं। अब यहाँ रही बात, यदि घर में कोई पुरुष न हो पिंडदान करने वाला और तर्पण करने वाला, तो वैसी स्थिति में तर्पण और पिंडदान श्राद्ध कर्म बंद नहीं होता है। श्राद्ध कर्म निश्चित रूप से घर में होना चाहिए। इसका उदाहरण, एक दो उदाहरण गरुड़ पुराण में भी है। बभ्रुवाहन वगैरह की कथा जो है इसमें दिया गया है। और दूसरा उदाहरण ये है कि जब रामचंद्र जी पिंडदान करने के लिए गया पहुँचे थे, तो जब वो सामान लाने के लिए बाजार गए, फल्गु नदी में बैठी सीता, उस शुभ मुहूर्त आ गया पिंडदान करने का और रामचंद्र जी वहाँ मौजूद नहीं थे, तो माँ सीता के द्वारा फल्गु नदी में पिंडदान किया गया है, इसका उदाहरण है। इसलिए पिंडदान में कोई रुकावट नहीं है, ऐसी है। लेकिन यदि पुरुष नहीं हो, तब ऐसी अवस्था यदि आ जाए पुरुष नहीं है, तो महिलाएं भी जा करके तर्पण और पिंडदान अपने पितरों का कर सकती है।